व्हाट्सअप गाइस, फिर से वापस आ चुका हूं मेरे नए वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप 2022 के फॉर्मेट के बारे में। वो अच्छे से आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए एंड जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए भी और आसान हो जाए इसका फॉर्मेट। तो सारा वक्त लगा करते हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। बट पहले क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं 11,000 सब्सक्राइबर्स के। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो बेसिकली टूर्नामेंट फॉर्मेट यहां पे गाइड ने रिलीज कर दिया है। कुछ ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा ना आप लोगों को, ठीक है, तो मैं मेरे स्टाइल में आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने पूरे अच्छे से लिख के रखा है कि हर स्टेज में क्या होने वाला है, हर स्टेज में आप लोगों को कितने कितने टीम्स क्वालिफाई होते हुए देखने को मिलेंगे। सो स्टार्टिंग विथ, ये क्या है, ये फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप 2022 स्प्रिंग सीजन का पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेनर आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब FFC मोड जो गरीना का इन गेम क्वालिफायर्स होता है, वहां से सिर्फ और सिर्फ 42 टीम, मतलब 42 टीम्स जो हैं, उनके क्लोज क्वालिफायर्स तक क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने सारे स्टेजेस होंगे, ठीक है। पहला होगा FFC मोड, उसके बाद आएगा क्लोज क्वालिफायर्स, उसके बाद बेसिकली क्लोज क्वालिफायर्स जो है दो स्टेजों में डिवाइड किया गया, स्टेज वन एंड स्टेज टू। उसके बाद आता है लीग स्टेज, जो मैच स्ट्रीम होती है, देन आते हैं प्ले इन्स एंड लास्ट में फाइनल्स, ठीक है। तो पहला FFC मोड, जैसे कि मैंने बताया, इन गेम क्वालिफायर्स, वहां से सिर्फ और सिर्फ 42 टीमें क्वालिफाई करेंगी क्लोज क्वालिफायर्स तक। अब जो क्लोज क्वालिफायर्स है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये अच्छे से सुनना आप, क्योंकि इसे दो स्टेजों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये क्लोज क्वालिफायर्स का शुरुआत कहां से होता है, शुरू होता है बॉटम सिक्स FFPL विंटर्स के फाइनलिस्ट, मतलब प्रो लीग विंटर्स का जो फाइनल्स अभी जो जनवरी में खत्म हुआ, वहां पर जो बॉटम सिक्स टीम्स थी वो यहां पर बैठी रहेंगी, अलॉन्ग विथ 42 FFC मोड की टीम, जो इक्वल करेगा 48 टोटल टीम्स, मतलब 48 टोटल टीम्स के साथ ये क्लोज क्वालिफायर शुरू होगा, जहां पे इनको चार ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, जिसमें हर ग्रुप में आपको 12-12 टीम देखने को मिलेंगे, विच मींस ग्रुप ए में 12 टीम्स, ग्रुप बी में 12 टीम्स, ग्रुप सी में 12 टीम्स, ग्रुप डी में 12 टीम्स, ठीक है। तो टोटल 48 टीम्स को इक्वली डिवाइड कर दिया गया। अब हर ग्रुप से दो दो टीम्स जो है क्वालिफाई हो जाएंगे डायरेक्टली मेन लीग स्टेज के लिए, जो FFPL 2022 का होगा, ठीक है, जो मैचेस स्ट्रीम होने वाली है। अब जो हर ग्रुप के, मतलब अब आप स्टेज टू में आ जाइए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि 8 टीम्स के साथ थोड़ी ना होगा जो मेन लीग स्टेज होगा, 18 टीम्स के साथ होता है ना, और भाई तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा क्लोज लेन्स में। क्लोज प्लेन्स में क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो रहा है ना, ये जो मैचेस पहले हो रहे हैं जहां से सिर्फ टॉप टू टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहे हैं, अब वो हर ग्रुप के ना, अगर ग्रुप ए के थर्ड से फिफ्थ पोजीशन के जो टीम्स होंगे, ग्रुप बी के थर्ड से फिफ्थ पोजीशन से जो टीम्स होंगे, ग्रुप सी के थर्ड से फिफ्थ पोजीशन से जो टीम्स होंगे, ग्रुप डी से थर्ड से फिफ्थ पोजीशन से जो टीम्स होंगी, मतलब हर ग्रुप से हो जाते हैं 3 टीम, तो 4 ग्रुप्स इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय 3 व्हिच इज मेकिंग इट टू 12 टीम्स, मतलब हर ग्रुप की जो थर्ड से फिफ्थ पोजीशन की टीम होंगी वो यहाँ पे एक और दिन खेलेंगी एंड वहां से सिर्फ और सिर्फ टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगी लीग स्टेज के लिए, ठीक है। तो 8 प्लस यहाँ से क्लोज प्लेन्स बोलते हैं इसे, स्टेज 2 है। अब पता नहीं, ये तो पिछले बार क्लोज प्लेन्स से बोला गया, तब इस बार क्लोज प्लेन्स बोलेंगे या फिर डिफरेंट बोलेंगे, स्टेज 2 इसलिए मैंने बोला, स्टेज 2 जिसे हम कहते हैं, वहां से 4 और टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी। तो 8 टीम्स डायरेक्टली यहाँ से स्टेज 1 से हो रही है, 4 टीम्स स्टेज 2 से हो रही है, तब भी 12 टीम्स हो रही है, ठीक है। अब लीग स्टेज में डायरेक्टली टॉप 6, जो प्री प्रो लीग विंटर्स का फाइनल्स हुआ ना अभी जनवरी में खत्म, वहां पे जो टॉप 6 टीम्स थी वो यहां पे वेट करेंगी, प्लस 12 टीम्स जो क्लोज क्वालिफायर्स के स्टेज 1 एंड स्टेज 2, मतलब 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 टीम्स, अब हो जाते हैं इसके 18 टीम्स जो लीग स्टेजेस में स्ट्रीम होने वाले हैं। यहां से शुरू होते हैं आपके स्ट्रीम ऑन स्ट्रीम मैचेस, जहां पे आपको हम जैसे कास्टर्स मैचेस को कास्ट करते हुए एंड आप लोगों को मजा देते हुए एंटरटेनमेंट दिलाते हुए आपको दिखेंगी। अब ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में आपको फिर से डिवाइड होते हुए देखेंगे 4 ग्रुप्स, अगेन 6 टीम्स होंगी हर ग्रुप में, इस बार 18 टीमों को इक्वली डिवाइड किया जाएगा 6-6-6 में, ठीक है। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 हो गए, ओके माय बैड, ग्रुप डी नहीं होगा, 3 ग्रुप्स होंगे, मेरी गलती, देखो मेरी चोरी पकड़ी गई गाइस, मेरा मैथ्स ओपी बोलते गाइस, बट एनीवेज गाइस, इसके लिए एक लाइक ड्रॉप कर देना। बट हाँ, हर 3 ग्रुप्स होंगे, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, जहां पे 6-6 ग्रुप में 6-6 टीमों को डिवाइड किया जाएगा, 18 टीमों को डिवाइड किया जाएगा इक्वल इनटू ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, जिसमें से टॉप 2 टीम्स विल डायरेक्टली क्वालिफाई, मतलब हर
ग्रुप से, ग्रुप ए से दो टीम्स, टॉप टू टीम्स, ग्रुप बी से टॉप टू टीम्स, ग्रुप सी से टॉप टू टीम्स डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए, जो आपके छह टीम्स बन जाते हैं, ठीक है। बाकी जो बॉटम फोर के टीम्स होंगे ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, वो जाएंगी प्लेइंग्स में एंड वो फिर से एक खेलेंगी, जहां से फिर टॉप सिक्स टीम, मतलब प्लेइंग्स के टॉप सिक्स टीम फिर से क्वालिफाई करेंगी आपके मेन ग्रैंड फाइनल्स के लिए। मतलब अब फाइनल्स का क्या सिस्टम है, छह टीम्स फ्रॉम लीग से जो डायरेक्टली टॉप टू बन के आ रहे हैं, अब बाकी छह टीम्स आएंगे जो टॉप बनेंगे प्लेइंग से, क्योंकि उनको फिर एक दोबारा मौका मिल जाता है, रिवर्क करने का मौका मिलता है, वो फाइनल्स तक आ पहुंचेगी। ये बन जाता है आपका ओवरऑल फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का फॉर्मेट एक्सप्लेनर। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, क्योंकि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ये सिंपल चीज है, ये पहले भी फॉलो होता हुआ आ रहा है, ये कुछ नया चीज नहीं है। एंड इस बार नया क्या है, इस बार नया है इसका प्राइस पूल, विच इज 1 करोड़ रुपए का। एंड एक और मैं लीक आप लोगों को देना चाहूंगा, विच इज गोइंग टू बी दिस, मैं थोड़ा सा इसको इरेजर से मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाना चाहूंगा कि लिक्विपीडिया में एक चीज, अभी देखो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, लिक्विपीडिया में भी ये चीज जो है मुझे जो देखने को मिल रहा है, दैट इज कि जो लीग स्टेज है, जो स्ट्रीमिंग टाइमिंग्स होंगे वो 11 मार्च से लेके 27 मार्च तक चलेगा, ठीक है। जो प्लेन्स होंगे वो 3 अप्रैल में होगा और जो ग्रैंड फाइनल्स है ये 10 अप्रैल में होगा। ये कह सकते हो कि टेंटेटिव डेट्स है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है गरीना के साइड से, कंफर्मेशन जब उनके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि 10 अप्रैल को शायद आपको ग्रैंड फाइनल्स होता हुआ देखने को मिले, 11 मार्च से जो लीग स्टेज है वो शुरू होता हुआ देखने को मिले, बट जो कंफर्म्ड है वो है 7 फरवरी से 11 फरवरी तक आपके रजिस्ट्रेशन जो है चालू रहेंगे। एंड मोस्ट ऐसा लग रहा है कि एफएफसी मोड भी शायद जो इन गेम क्वालिफायर्स है वो शायद 11 फरवरी से चालू हो जाए। तो जो भी हो, ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी तक सारे ये क्लोज क्वालिफायर्स तक का जो सफर है खत्म हो जाएगा, मार्च के या तो फर्स्ट वीक से या तो जो डेट अभी दिया हुआ है 11 तारीख से चालू हो जाएगा आपका एफएफआईसी के मेन लीग स्टेजेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को और ज्यादा लुभाएगा, जो हम लोग बहुत बार कह चुके हैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, विनर्स वर्ल्ड सीरीज के सेंटोसा फाइनल्स के लिए जा रहे हैं, रनर्स अप भी सेंटोसा प्लेन्स में जा रहे हैं। ये भी एक चीज है जो आपको लिक्विपीडिया में देखने को मिलेगा, कंफर्मेशन फिर से आपको गरीना के साइड पे मिल जाएगा जब वो करेंगे, जब वो एफएफआईसी के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स डालेंगे तो एफएमडब्ल्यूएस के भी डिटेल्स आपको दे देंगे। सो दिस वाज इट, यहीं तक मेरा वीडियो था, आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो डू ड्रॉप अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। अब जैसे कि मैंने कहा, कोई भी डाउट है तो भी वो पूछ लेना, तो मैं जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। अब जो भी रूल बुक वगैरह सब कुछ आएगा, अगर कुछ रूल चेंजेस होते हैं, बर्म्यूडा 2.0 रिवाइवल पॉइंट, ये सब कुछ भी होता है, तो मैं जरूर से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ रूल बुक आने के लिए, जब आ जाएगा उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। सो डोंट वरी, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।